अगर कोई व्यक्ति नया फोन खरीदे तो सबसे पहला ऐप जो वो इंस्टॉल करेगा शायद व्हाट्सएप ही हो। ऐसे लोग ना के बराबर ही होंगे जिनके पास स्मार्टफोन तो हो पर वो व्हाट्सएप पर ना हो। दुनिया के इस पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप की शुरुआत दो दोस्तों ने मिलकर 2009 में की थी। एक थे ब्रायन एक्टन जो कि एक याहू इंजीनियर थे और दूसरे थे जैन कॉम जो कि हैकर ग्रुप WWW में काम करते थे। जैन कॉम एक बेहद ही साधारण परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म यूक्रेन के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे जो कि हॉस्पिटल और स्कूल बनाती थी। कॉम ने सैन जो स्टेट यूनिवर्सिटी से मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में अपनी एजुकेशन पूरी करी। ब्रायन एक्टन जिनका बचपन सेंट्रल फ्लोरिडा में बीता था, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1994 में कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। डिग्री लेने के बाद इन्होंने मशहूर कंपनी एप्पल में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर काम करना शुरू किया। फिर इन्होंने 1996 में याहू ज्वाइन कर लिया। कॉम और एक्टन की मुलाकात याहू के ऑफिस में हुई थी। एक्टन बताते हैं कि जब मैंने कॉम को ऑफिस में देखा तो मैंने उसमें बाकी लोगों से कुछ अलग पाया। वो बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने वालों में से एक था। वहीं से उन दोनों की दोस्ती शुरू हुई। लगभग 10 साल तक एक साथ काम करने के बाद इन दोनों ने याहू छोड़ने का फैसला लिया और 2007 में इन दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कुछ काम करने में लग गए। व्हाट्सएप का आइडिया कॉम को 2009 में तब आया जब वो मूवी देख रहे थे। उन्हें लगा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे कि वो अपने दोस्तों को तुरंत इन्फॉर्म कर पाए कि मूवी में क्या हुआ, कैसे हुआ, साथ ही उसमें कुछ खर्चा भी ना हो। कॉम ने ये आइडिया एक्टन को बताया। शुरू में एक्टन को थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन बाद में वो राजी हो गया। दोनों इस नए मिशन में जी जान से लग गए। क्योंकि दोनों प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह से समझते थे, उन्होंने एक ऐप बना लिया। ऐप बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन उसमें दिक्कतें भी कम नहीं थी। सबसे पहले तो जब व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन के समय नंबर डालना होता था तो जो OTP फोन पर आता था उसके पैसे कॉम के बैंक अकाउंट से कटते थे। दूसरी समस्या ये थी कि ऐप में कभी तो मैसेज आते और कभी बिल्कुल ही नहीं आते थे। आखिर में कॉम ने एक्टन से कहा क्यों ना इसे छोड़कर कोई स्टेबल जॉब पकड़ी जाए। एक्टन ने उसे गुस्से में जवाब दिया कि अगर तुमने अभी इसे छोड़ दिया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कुछ महीने अभी हमें इसे और देने चाहिए। उसके कुछ समय तक व्हाट्सएप में कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी और दोनों के बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो चुके थे। अब दोनों को सरवाइव करने के लिए नौकरी की जरूरत थी। कॉम और एक्टन जॉब के लिए सबसे पहले फेसबुक हेडक्वार्टर्स गए, लेकिन वहां से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दोनों ट्विटर हेडक्वार्टर्स गए तो वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ना तो उन्हें कोई नौकरी दे रहा था और ना ही उनके व्हाट्सएप का काम ढंग से पूरा हो पा रहा था। तभी एक्टन ने कहा कि क्यों ना हम अपने सभी पुराने दोस्तों को अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और शायद इससे कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने अपने सभी पुराने दोस्तों जो कि याहू में काम करते थे उनको बुलाया और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सभी दोस्तों से लगभग उन्हें 15,000 रुपए मिल गए। इस पैसे से उन्होंने फिर से व्हाट्सएप पर काम शुरू किया और दिन रात एक करके इसकी सभी दिक्कतों को दूर करा। 2010 की शुरुआत से 2014 तक व्हाट्सएप की ग्रोथ पूरी दुनिया में बहुत ही शानदार रूप से बढ़ी। 4 साल के अंदर अंदर ये ऐप उनकी लाइफ का गेम चेंजर बन गया। 2014 के अगस्त महीने तक व्हाट्सएप के मंथली यूजर 60 करोड़ हो चुके थे और हर महीने लगभग 2.5 करोड़ नए एक्टिव यूजर्स व्हाट्सएप पर साइन अप कर रहे थे। अब 5 साल बाद उसी फेसबुक ने, जिसने 6 साल पहले एक्टन और कॉम को अपने यहाँ जॉब पर नहीं रखा था,
उसने व्हाट्सएप को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उन दोनों से खरीदा। इंडियन करेंसी के हिसाब से फेसबुक ने लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके इसे अपने नाम करवाया। वो दोनों जिस कंपनी में नौकरी मांगने गए थे, आज वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स व्हाट्सएप पर ही हैं। चाइना के वी चैट और जापान के लाइन ऐप को व्हाट्सएप काफी पहले ही पछाड़ चुका है। इस समय इंडिया में व्हाट्सएप के 10 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। 2014 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कॉम 6.8 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 202 नंबर पर हैं। वहीं ब्रायन एक्टन 3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 551 नंबर पर हैं।